बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खरीद से होंगे, फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो फाइवर के रिलेटेड है। फाइवर ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त सिस्टम निकाला है माइलस्टोन का। जैसे पहले अपवर्क पे था वहाँ पे आप लोग माइलस्टोन के ज़रिए पेमेंट वगैरह ले सकते थे, यानी कि फिक्स्ड प्रोजेक्ट में आप एक की बजाय, यानी कि एक लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट है उसमें आप ज़्यादा पेमेंट्स यानी कि स्टेप बाय स्टेप बना के वो ले सकते थे। तो अब फाइवर ने भी यही काम शुरू कर दिया किस्म का लॉन्ग टर्म क्लाइंट के साथ चलने के लिए, कि आप इसमें जो है माइलस्टोन के ज़रिए पेमेंट ले सकते हैं, बजाय ये कि एक ही ऑर्डर लें $5 का या $10 का $20 का। अगर आपके क्लाइंट्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म चल रहे हैं, आपका काम ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे माइलस्टोन के ज़रिए भी पेमेंट ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा इसका तरीकाकार है जो इन्होंने भी नया शुरू किया है, लेकिन मैं आपको उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। थोड़ी सी इसके आपको डिटेल भी बता दूंगा और आपको एक डेमो करके भी दिखाऊंगा कि ये किस तरह से आप जो है माइलस्टोन वाली जो ऑफ़र है वो भेज सकते हैं कस्टम ऑफर जो अपने क्लाइंट को। और जिसने भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो कर ले। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सारी चाहिए मेरे चैनल पे आपको मिलेगी, फ्रीलांसिंग के रिलेटेड, स्किल्स के रिलेटेड और फाइवर अपवर्क इन सब की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये सामने इनका आर्टिकल है, गो टू एक्स्ट्रा माइल विद माइलस्टोन, जो मुझे भेजा है। तो ये क्या कहते हैं, फाइवर कह रहा है पहला स्टेप क्या है, गेट पेड आफ्टर ईच माइलस्टोन, नो नीड टू वेट अंटिल यू फिनिश द होल प्रोजेक्ट। यानी कि अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है, क्लाइंट के साथ आपका बड़ा प्रोजेक्ट है, एक माह का ही लगा लें, एक महीने का है, तो उसकी पेमेंट आपकी है कह लें कि $200 है, ठीक है। तो आपको पूरा महीना वेट नहीं करना, आप स्टेप बाय स्टेप आप 5 दिन का जो काम है उसके भी ले सकते हैं पैसे, एक माइलस्टोन होगी फिर, या 10 दिन का है उसकी 10 दिन का, फिर 10 दिन का, 10 दिन के जो गैप डाल के आप माइलस्टोन बना सकते हैं और आपको वो हर टास्क कंप्लीट करने के बाद आपकी जो पेमेंट है वो कंप्लीट होने के बाद आपको मिल जाएगी। पहला ये हो गया, नो नीड टू वेट अंटिल यू फिनिश द होल प्रोजेक्ट। दूसरा क्या है, गेट अप्रूव ईच स्टेप ऑफ द वे टू इंक्रीज अलाइनमेंट एंड रिड्यूस डिलेज, ठीक है, यानी कि डिलेज भी नहीं होगा, आपको टाइमली जो पेमेंट वगैरह भी मिलती रहेगी। सेपरेट योर प्रोजेक्ट इन अप टू 6 सेक्शंस एंड पेमेंट्स, यानी कि आप 6 हिस्सों में 6 माइलस्टोन एक प्रोजेक्ट में बना सकते हैं, यहाँ 6 का ऑप्शन है, ठीक है। इट्स अ ग्रेट वे टू थिंक लॉन्गर टर्म, इट्स ऑल्सो ग्रेट वे टू बिल्ड ट्रस्ट विद योर बायर स्टेप बाई स्टेप, एंड मोस्ट ऑफ ऑल इट्स ग्रेट वे टू कीप योर फ्रीलांसिंग मोमेंटम अप, ठीक है। ये अब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं लॉन्ग टर्म जो आपके क्लाइंट्स हैं उनके साथ चलने के लिए ये ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है, यानी कि बिल्ड आपका हो जाता है यहाँ आपके कस्टमर के साथ स्टेप बाई स्टेप जो है आपका रिलेशन, ठीक है। अब इसमें जो इनका मेन है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इनका आर्टिकल जो उन्होंने बताया जिसमें पूरी डिटेल इन्होंने बताई हुई है, वर्किंग विद माइलस्टोन। अभी इसके बाद मैं आपको डेमो भी करके दिखाना है अपनी इधर जो आईडी के ऊपर, यहाँ पे कस्टम ऑफर बना के मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से करना है, यहाँ थोड़ा सा मैं पहले आपको आइडिया दे रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, आप $50 की अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है तभी आप करेंगे ना इसमें जाएंगे माइलस्टोन में, तो मिनिमम ऑर्डर यानी कि एक माइलस्टोन जो $50 की होगी, इससे ज़्यादा की, इससे कम की नहीं होगी, इससे ज़्यादा की होगी या $50 की होगी। करना क्या होगा, टू यूज़ माइलस्टोन विद इन योर कस्टम ऑफर सेलेक्ट माइलस्टोन्स, ठीक है, फॉर ऑर्डर ओवर $50 ओवर, यानी कि $50 से ज़्यादा के जो ऑर्डर होंगे आप उसके लिए यूज़ करेंगे। फिल आउट अ नेम, ये यहाँ से डिटेल दी हुई है, लेकिन अगर मैं आपको डेमो ही करके दिखा दूँ तो मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ वैसे थोड़ा बताता चलूँ, ये सामने इनका इन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ है, बना के एग्जांपल दी हुई है कि 3 लोगो कॉन्सेप्ट्स 3 डेज $52, चूजन लॉगो स्केच 2 डेज $60, फाइनल लॉगो डिज़ाइन 2 डेज $50, टोटल 7 डेज का प्रोजेक्ट है और $162 का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बना के थोड़ी सी एग्जांपल दे दी है। यहाँ सेकंड एग्जांपल जो है, इसमें 5 माइलस्टोन्स हैं, 52 की 60 50 65 50 277, टोटल 14 डेज का प्रोजेक्ट था, ठीक है। इसमें अगर आपकी एक माइलस्टोन भी आपने बनाई है, 6 बनाई हैं कह लें, 6 बनाई हैं उसमें से एक आपकी जो है कंप्लीट हुई है, कि आपने ऑर्डर कंप्लीट किया, एक माइलस्टोन आपने कह दिया ये है कंप्लीट हो गई है, तो आपका ऑर्डर तब भी कंप्लीट ही शो होगा अगर आपका ज़्यादा काम नहीं चलता, बाकी माइलस्टोन जो कैंसिल करता है या ऑर्डर स्टॉप होता है तो। लेकिन फिर भी आपको पे होगा, आपको क्लाइंट पे करेगा। यहाँ मैं आपको डेमो बता देता हूँ, जब आप ऑफर भेजते हैं क्रिएट एन ऑफर, आप इस पर क्लिक करेंगे, देन आपको सेलेक्ट करनी होती है अपनी गिग, आप गिग को सेलेक्ट करेंगे, गिग सेलेक्ट करते ही आपको पूछेगा हाउ वुड यू लाइक टू गेट पेड, गेट पेड इन फुल वंस द प्रोजेक्ट इज कम्प्लीटेड और ब्रेक इट इंटू स्मॉलर चंक्स कॉल्ड माइलस्टोन्स टू गेट पेड एज यू गो। अब सिंगल पेमेंट वाला तो वही सीन है जो पहले भाई हम करते थे, सिंपल आपने एक बनाया ऑफर, बनाई कस्टम ऑफर बना के उसको भेज दी क्लाइंट को, इतने दिन का काम है, इतने पैसे, इतनी रिविजन, इतनी ये चीज़, इतनी ये चीज़, पूरी डिटेल डाल के। अब इसमें सेकेंड ऑप्शन साथ आ गया माइलस्टोन, वर्क इन ग्रेजुअल स्टेप्स एंड गेट पेड फॉर ईच कम्प्लीटेड माइलस्टोन, हम इसको सेलेक्ट करने वाले हैं माइलस्टोन वाले को।
अभी मेरी गिग सेलेक्ट हुई है। डिस्क्राइब योर ऑफर, यहाँ पहले तो हम ऑफर जो है जो हम पहले भेज रहे हैं जैसे हम भेजते थे जो उसको हम बता रहे हैं। आई विल बी वर्क फॉर हम लिख देते हैं 20 आवर्स, ठीक है सिंपल। वो तो आपने जो लिखना ना वही लिखेंगे, तो मैं वैसे अपना थोड़ा सा आइडिया देने के लिए डेमो दे रहा हूँ। अब यहाँ ये ऑप्शन है फर्स्ट माइलस्टोन नेम, ये है फॉर टू डेज, मैं लिख देता हूँ उसका नाम लिख दिया है फॉर टू डेज, ठीक है माइलस्टोन का नेम लिख दिया। यहाँ हमने डिलीवरी डे दो डाल दिया, यहाँ हमने लगा दी 50 प्राइस, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर 40 लिखूँ सेव करूँ, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये देखें ऑप्शन आ गया, उन्होंने कहा मिनिमम प्राइस $50। सो इसको हमने कर दिया 50। यहाँ इसमें अगर हमें कोई डिटेल डाल दी है 50, इसका हम कह देते हैं फॉर 8 आवर्स, ठीक है ये ऑप्शनल होता है, यहाँ आप ना भी लिखें तो कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। ये हमने कर दिया सेव, फर्स्ट माइलस्टोन फॉर टू डेज $50, ये हमारी सेव होगी। सेकंड वन का हम क्या नाम लिख देंगे, फॉर 3 डेज कर देते हैं, यार सिंपल आपको डेमो ही देना, ठीक है। इसकी डिलीवरी 3 डेज कर दी, इसकी हमने प्राइस कर देते हैं 60, ठीक है सिंपल, जैसा आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं। ये दूसरी माइलस्टोन होगी, टोटल 5 डेज़ का काम है, $110 आ गए। ऐड माइलस्टोन अगेन हम थर्ड जो है यहाँ उसको कर देते हैं, यहाँ पे भी हम कर देते हैं 2 डेज, इसकी भी 2 डेज़ डिलीवरी डेट कर देते हैं, इसका कर देते हैं 50, यहाँ कर देते हैं सेव। अब ये 3 माइलस्टोन्स आपके सामने, ठीक है आप 6 बना सकते हैं, 6 का ऑप्शन है 6 माइलस्टोन्स बनाने का इस पे फाइबर पे, जो अब इन्होंने नया सिस्टम दिया। अगर आप यहाँ बना रहे हैं ऑफर, आपको फिर भी आपने सिंगल भेजनी, तो आप यहाँ से फिर भी स्विच कर सकते हैं, स्विच टू सिंगल पेमेंट ऑफर, लेकिन हम यही बना रहे हैं। हमने ये 3 माइलस्टोन्स जो ऐड कर दी, 3 माइलस्टोन्स ऐड करने के बाद ऑफ़र एक्सपायरेशन टाइम, ऑफ़र एक्सपायर कितने टाइम में होगी, ठीक है क्लाइंट अगर एक्सेप्ट करे, अगर नहीं करता, हम इसको कितना टाइम दे रहे हैं कि अभी हम ये ऑफ़र भेजेंगे तो कितने दिन उसके पास खड़ी रहेगी, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कैंसिल हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, ये आपकी मर्ज़ी। आप यहाँ से 5 डेज लगा लें, वैसे ज़्यादा ही लगाना चाहिए, अगर कभी हो जाता ना क्लाइंट बिज़ी होता है या वो ऑनलाइन नहीं आ सकता तो वो जो है आपको बाद में भी एक्सेप्ट कर लेगा, तो आप 5 डेज लगा लें अच्छी बात है। ऑफ़र इंक्लूड्स ये बाकी जो आपके जो गिग में डिटेल्स होती हैं, यहाँ मैंने ये आर्स वहाँ टोटल 20 का मेंशन किया, तो यहाँ मैं मेंशन कर दूँगा कि 20 आवर्स टोटल जो हमने काम करना है, ठीक है आई विल बी वर्किंग फॉर वर्क फॉर 20 आवर्स, मैं बस ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो और चीज़ हमें सेलेक्ट करनी होती है, जो ये गिग एक्स्ट्राज होते हैं कह रहे हैं इंक्लूड्स होता है, प्लान और ट्रिप या बेसिक फोटो एडिटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फॉर्मेटिंग एंड क्लीनिंग, ये मैंने जो लगाए हुए हैं, जो जो आपका हो आपने डिटेल ऐड करनी है वो आप ऐड कर लें, ऊपर माइलस्टोन्स ऐड करें, माइलस्टोन करने के बाद सेंड ऑफर आप सिंपल जो है वो क्लिक कर देंगे, और ये मेरी माइलस्टोन वाली ऑफ़र जो है वो चली गई है। अब अगर यहाँ क्लाइंट इसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, तो एक्सेप्ट करने के बाद पहले जब 2 दिन का काम मुकम्मल होगा तो हम इधर से कंप्लीट करेंगे, आगे से क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा और वो एक माइलस्टोन जो है वो एक्सेप्टेड हो जाएगी। एक चीज़ ये होगी, अगर आपको इंशाल्लाह इसकी समझ तो आ गई होगी कि किस तरह से इसकी काम कर रही है माइलस्टोन। आपका अगर 5 माइलस्टोन्स हैं और इसमें से 2 कंप्लीट हुई हैं, बाकी आपने ऑर्डर जो है क्लाइंट ने कहा भी बस अभी मैंने काम नहीं करवाना, बस होगी इतना बहुत है, देन तब भी आपका ऑर्डर कंप्लीट ही कंसीडर होगा, और कंप्लीट कंसीडर होने के साथ साथ आपको वो पे भी होगा, इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स के लिए है, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे साथ भी मंथली चलो, ठीक है, तो मंथली चलने के लिए आपको $500 में बात रन हुई है क्लाइंट के साथ, लेकिन $500 में आपको 1 महीने के बाद वो ऑर्डर कंप्लीट करता है, और वो 1 महीने के बाद फिर आगे 15 से 16 दिन लगते हैं आपका जो पेमेंट निकलने में, यानी कि आपका तो 1.5 माह गया ना। तो इस वजह से अगर आप ये माइलस्टोन पे चल रहे हैं तो माइलस्टोन पे क्या सीन होगा कि आप 10-10 दिन का करके उसको 500 को तकसीम करके 3 दिनों 10 दिनों पे आप 3 हिस्सों में पेमेंट ले सकते हैं, यानी कि आपकी पेमेंट जो है आपको जल्दी मिल जाएगी। इसका ये फ़ायदा है लॉन्ग टर्म चलने का, माइलस्टोन को जो है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म क्लाइंट के लिए माइलस्टोन बेस्ट है, तो इसको यूज़ करें अपने लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स के लिए। और दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो किसी और चीज़ पर बनाएंगे, बल्कि यही कस्टम ऑफर यहाँ भेजने का, मैं मोबाइल पे भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा कि मोबाइल पे आप अपने फाइवर एप्लीकेशन जो है उस पर कैसे आप लोग ये सेंड कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।